To be fluent in English, you must improve your vocabulary. So let's start the video. Salvation. Salvation का मतलब मोक्ष या उद्धार. Next, inauspicious. Inauspicious का मतलब होता है अशुभ या मनहूस या खराब किस्मत वाला व्यक्ति. Next, everlasting. Everlasting का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, या फिर eternal. इसका मतलब भी होता है अनंत. नेक्स्ट इज मेमोरियल. मेमोरियल मतलब शहीद स्मारक. मेमोरियल शहीद स्मारक. नेक्स्ट इंड्योर. इंड्योर का मतलब टिके रहना, लगे रहना, ठीक है, इंड्योर. नेक्स्ट सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलि, बलिदान या कुर्बानी. नेक्स्ट गैदर. गैदर मतलब इकट्ठा करना, यानी कि जमा करना. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज वॉचमैन, चौकीदार. वॉचमैन चौकीदार. नेक्स्ट वर्ड इज पैरिश. पैरिश का मतलब नाश होना या नष्ट हो जाना या ख़त्म हो जाना. नेक्स्ट अपराइट. अपराइट मतलब सीधी चाल चलने वाला व्यक्ति, यानी कि जिसमें कोई खोट ना हो, मन का साफ. नेक्स्ट वर्ड ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग का मतलब वंशज. नेक्स्ट वर्ड कलेक्शन. कलेक्शन मतलब संग्रह, संग्रह या कीमती चीज़ें इकट्ठा की हुई. नेक्स्ट ब्रेथ. ब्रेथ मतलब सांस, जो हम सांस लेते हैं उसको हम ब्रेथ कहते हैं. नेक्स्ट इनहेरिटेंस मतलब पूर्वजों से प्राप्त की हुई कोई चीज़, यानी कि जायदाद. ओके. नेक्स्ट इज प्रिपेयर मतलब तैयार, यानी रेडी. प्रिपेयर तैयार. नेक्स्ट वर्ड इज़ रिवाइव. रिवाइव जिसका मतलब होता है पुनर्जीवित, ओके, दोबारा जी उठना. नेक्स्ट इज़ कंफर्ट मतलब आराम. कंफर्ट आराम. नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रीड मतलब लालच. ग्रीड लालच, और ग्रीडी मतलब लालची. नेक्स्ट वर्ड इज़ विकेड. विकेड मतलब शैतान या दुष्ट व्यक्ति. नेक्स्ट वर्ड इज़ एनरेज्ड. एनरेज्ड मतलब खफा या फिर नाराज, एनरेज्ड. नेक्स्ट वर्ड इज़ हील. हील का मतलब ठीक होना, यानी कि किसी बीमारी से ठीक हो जाना, मतलब हील हो जाना. Thank you so much for watching this video till the end, and I really hope that you must have learned something new. If you did, please subscribe and don't forget to share it with us. Thank you so much for watching once again.